नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में ये घोषणा हो चुकी है कि हर महीने वहाँ सेरो सर्वे होंगे ताकि पता लगाया जा सके कि कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड कहाँ तक हुआ है। ये डिसीजन 21 जुलाई को आई रिपोर्ट के बाद लिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने 21 जुलाई को अपने सेरो प्रेवलेंस स्टडी ऑन SARS-CoV-2 इन्फेक्शन पर अपनी रिपोर्ट रिलीज करी। इस रिपोर्ट में कुछ हैरान कर देने वाले रिजल्ट सामने आए हैं। आपको इस सर्वे के एंड तक समझ आ जाएगा कि कोरोना काल में इस रिपोर्ट की क्या इम्पोर्टेंस है और सेरो सर्वे असल में होता क्या है, तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये सेरो सर्वे दिल्ली में 27 जून से 10 जुलाई तक किया गया था, जिसमें 21,387 सैंपल्स लिए गए थे। इस सर्वे में जिन लोगों के सैंपल में LGG यानी इम्यून ग्लोबुलिन जी पाई गई, मतलब वो कोविड के संक्रमित हो चुके थे। इन 21,347 में से 23.48% में LGG पाया गया। अप्रॉक्सीमेटली बोले तो दिल्ली में हर 4 लोगों में से एक कोरोना संक्रमित हो चुका है। ये रिपोर्ट सैंपल सर्वे पर बेस्ड है। आइए जानते हैं कि सेरो सर्वे होता क्या है। आपके ब्लड को मेडिकली 3 कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है। इनमें से सबसे लाइट कलर का होता है प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें तो बचता है सरम। इस सरम को ही एंटीबॉडीज के लिए टेस्ट किया जाता है। वैसे तो सेरोलॉजिकल टेस्ट इन्फेक्शंस की जांच के लिए होता है, लेकिन ये कोरोना वायरस वाले सिचुएशन में एक एरिया की पॉपुलेशन का सैंपल लेकर इस टेस्ट से जान सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड कितना हो चुका है, और इसी को सेरो सर्वे कहते हैं। दिल्ली की आबादी लगभग 2 करोड़ है, सबका टेस्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस सैंपल सर्वे से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरी दिल्ली में से 23% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। आइए इस टेस्ट की इम्पोर्टेंस जानते हैं। अभी करंट डाटा के हिसाब से दिल्ली में 1.25 लाख कोरोना पेशेंट्स आए हैं, जो कि 2 करोड़ का 0.6% है। लेकिन सर्वे तो 23.48% कहता है। ये इतना डिफरेंस क्यों आया है? माना जा रहा है कि इन लोगों को असिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस हुआ है, यानी इनको खुद भी नहीं पता कि इनको कोरोना वायरस हो चुका है, क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं दिखे। तो ये असिम्प्टोमेटिक स्प्रेड का पता सेरो सर्वे से ही लगाया जा सकता है। सैंपल सर्वे से हम एक रफ आइडिया ही लगा सकते हैं, ये आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब अगर दिल्ली वाले ये सोच रहे हैं कि 4 में से एक को तो कोरोना हो ही गया है, एंटीबॉडीज तो बन ही गई हैं, तो कोरोना से डरो ना और चल दो बिना मास्क के, तो वो ये गलत सोच रहे हैं। हमें अभी तक ये नहीं पता कि कोविड-19 से हमारी बॉडी हमारा कितनी देर तक बचाव कर सकती है। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है जहाँ कोरोना वायरस से ठीक हुआ पेशेंट 1-2 महीने के बाद फिर से कोरोना से बीमार पड़ गया, और बाकी के जो 76% जनता है वो भी ये समझे कि बीमारी कमजोर नहीं पड़ी है। तो सभी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो कीजिए और सुरक्षित रहिए। अगर आपको हरियाणा मीडिया न्यूज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज हमें जरूर बताएं, और तो और साथ ही साथ जो वो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल की कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। तब तक के लिए मैं देव आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें लाता रहूंगा। धन्यवाद।